आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। कौन कहता है कि आप अपना जीएसटी खुद से फाइल नहीं कर सकते हैं। आज मैं आपको आसान तरीके से जीएसटी कैसे फाइल करते हैं ये आपको बताने वाला हूँ। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद अपना जीएसटी आप खुद से फाइल कर सकते हैं और इसके लिए अपने अकाउंटेंट को पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले आपको लॉगिन वाले ऑप्शन पर जाना है और आईडी या पासवर्ड के थ्रू लॉगिन कर लेना है। अब आप सामने देख सकते हैं जीएसटीआर 1 एंड 3 का ड्यू डेट दिख रहा है और मंथ दिख रहा है। जैसे जून मंथ का मैंने फाइल अभी तक नहीं किया है तो दोनों अभी येलो दिख रहा है। तो सबसे पहले आपको नीचे रिटर्न डैशबोर्ड दिख रहा होगा उस वाले ऑप्शन पे जाना है। रिटर्न डैशबोर्ड पे जाने के बाद आपको अपना क्वार्टर सेलेक्ट कर लेना है। तो क्वार्टर 1 सेलेक्ट कर लेंगे, जून मंथ सर्च पे ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करते हैं GSTR1 सबसे स्टार्टिंग में दिख रहा होगा। दो मोड है, ऑफलाइन और ऑनलाइन। तो मैं ऑनलाइन आपको प्रिपेयर करके दिखाऊंगा। तो प्रिपेयर ऑनलाइन पे क्लिक करना है। अब आपके सामने इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। अब सबसे स्टार्टिंग में दिख रहा होगा B2B इनवॉइस। अगर आपने रजिस्टर्ड पर्सन को सेल किया है यानी जिसका GST नंबर है उसको सेल किया है तो आपको इस वाले ऑप्शन पे जाना है और ऐड रिकॉर्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके सामने इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। सबसे पहले आपको करना है GST नंबर पार्टी का लिखना है जिसको आपने सेल किया है, तो उसका GST नंबर यहाँ टाइप करना, ऑटोमेटिक नाम यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अब आपको इनवॉइस नंबर यहाँ टाइप करना है और इनवॉइस डेट। उसके बाद आपको टोटल इनवॉइस वैल्यू यानी आपका टोटल इनवॉइस वैल्यू क्या है वो आपको यहाँ टाइप करना है। जैसे मान लीजिए 100 रुपया था, 18% GST है तो 118 रुपया, तो आपको 118 रुपया यहाँ लिखना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद आपका रेट ऑफ टैक्स क्या है, तो 18% है तो 18% पे आपको टैक्स वैल्यू यहाँ डालना है, ऑटोमेटिक टैक्स आ जाएगा। यानी 100 रुपये आपको डालेंगे तो 9% CGST 9% SGST आ जाएगा, फॉर एग्जांपल। ठीक है, और सेव पे क्लिक कर देना है। सेव करने के बाद आपको यहाँ से बैक आ जाना है। तो देख सकते हैं मेरा एक नाम ऑटोमेटिक यहाँ ऐड हो गया है, GST नंबर नाम ऑलरेडी आ गया, इनवॉइस प्रोसेस भी हो गया है। ठीक है, इसी तरह मैं आपको दूसरा इनवॉइस ऐड करके दिखाऊंगा। ऐड रिकॉर्ड पे क्लिक करना है और फिर से आपको अपना सेलर का यहाँ GST नंबर डालना है जिसको आपने गुड्स बेचा है या सर्विस दिया है उसका यहाँ GST नंबर डालना है। नाम ऑटोमेटिक आ जाएगा। उसके बाद इनवॉइस नंबर आपको यहाँ टाइप करना है। उसके बाद आपको इनवॉइस डेट यहाँ सेलेक्ट कर लेना है। टोटल इनवॉइस वैल्यू यहाँ टाइप कर देना है। उसके बाद आपको टैक्सेबल वैल्यू यहाँ डालना है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट टैक्स क्या है, तो 18% है, तो वहाँ डाल के जाके टैक्सेबल वैल्यू डालेंगे तो CGST SGST दोनों में आधा आधा डिवाइड हो जाएगा और सेव पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, मेरा रिक्वेस्ट सक्सेसफुली एक्सेप्ट हो गया है। अब यहाँ से आपको बैक आ जाना है फिर से। तो देख सकते हैं मैंने अभी तक 2 इनवॉइस यहाँ आपको प्रोसेस करके दिखाया है। फिर से आपको ऐड रिकॉर्ड पे जाना है। अब मैं एक GST का एग्जांपल देके दिखाता हूँ। ठीक है, तो फिर से आपको अपना यहाँ GST नंबर डालना है पार्टी का। तो ये जो नाम है ये मेरा IGST का में आएगा। ठीक है, ये मेरा 10 से स्टार्ट हो रहा है तो IGST है। ठीक है, इनवॉइस नंबर यहाँ टाइप कर देना है, इनवॉइस डेट यहाँ सेलेक्ट कर लेना है, टोटल इनवॉइस वैल्यू यहाँ टाइप कर देना है। उसके बाद आपको टैक्स वैल्यू यहाँ टाइप कर देना है। तो टैक्स वैल्यू टाइप करते ही आपका IGST में ऑटोमेटिक अमाउंट यहाँ आ जाएगा। ठीक है, 18% यहाँ ऑटोमेटिक टोटल आ जाएगा। उसके बाद सेम पे क्लिक कर देना है। अगर आपको क्या करना है, एक ही पार्टी का 2 इनवॉइस है यानी आप सेम पार्टी को 2 बार माल बेच रहे हो तो आपको क्या करना है, इसी में इनवॉइस ऐड कर देना है। जैसे नाम ऑटोमेटिक पहले से ऊपर दिख रहा है, GST नंबर दिख रहा है, इनवॉइस नंबर आपको फिर से चेंज कर देना है। ठीक है, ये तभी करना है ऐसे जब आप किसी एक पार्टी को 2 बार माल बेच रहे हो। ठीक हो, तो आपको इनवॉइस डेट डाल देना है, टैक्स वैल्यू डाल देना है। एकदम स्टेप टू स्टेप आपको बता रहा हूँ।
कोई भी दिक्कत हो तो प्लीज़ कमेंट में कमेंट करें, मैं बिल्कुल उसको जवाब दूंगा, ठीक है। फिर से आपको यहाँ टैक्स वैल्यू डाल देना है और उसके बाद सेव पे क्लिक कर देना है। रिक्वेस्ट एक्सेप्टेड सक्सेसफुली हो गया। अब यहाँ से बैक आ जाना है आपको। बैक आने के बाद देख सकते हैं मेरा इंडस टावर वाला का दो इन्वॉइस यहाँ मैंने प्रोसेस किया, तो दो यहाँ दिख रहा है, ठीक है। इसमें मैंने दो इन्वॉइस डाले हैं, ठीक है, इंडस टावर वाले में। तो इस तरह मैंने आपको तीन इन्वॉइस आपको सब माफ़ कीजिए चार इन्वॉइस मैंने आपको करके दिखाया है, ठीक है। अब मैं आपको बैक आके आऊँगा और आप बी टू सी में जाना है आपको। बी टू सी में तब जाते हैं जब आपने कैश सेल किया है, ठीक है। तो कैश सेल अगर किया है तो आपको बी टू सी में जाना है। यहाँ से आपको स्टेट अपना प्लेस ऑफ सप्लाई सेलेक्ट कर लेना है, यानी आपने झारखंड में हो तो झारखंड में ही अगर आपने दिया है सर माल बेचा है तो आपको वहाँ टाइप कर देना है, ठीक है। प्लेस ऑफ सप्लाई झारखंड ले लूँगा मैंने, क्योंकि मैंने झारखंड में ही माल सेल किया है। रेट आपको क्या है, टैक्स वैल्यू आपको पहले सबसे पहले फिल करना है, ठीक है। तो टैक्स वैल्यू आपको मतलब मान लीजिए 100 रुपये का था और 18% GST लगा, तो 118 रुपये होता है, तो आपको यहाँ 100 रुपये डालना है, ठीक है। और आपको रेट यहाँ सेलेक्ट कर लेना है, तो मैंने 18% है तो मैंने 18% सेलेक्ट कर लिया रेट। तो सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स ऑटोमेटिक यहाँ आ गया। अब आपको सेव पे क्लिक कर देना है। कोई कन्फ्यूजन हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करिएगा दोस्तों, मैं सबको जवाब दूंगा। यहाँ से बैक कर लूँगा। बैक करने के बाद देख सकते हैं मेरा चार इन्वॉइस मैंने बी टू बी में डाला, एक इन्वॉइस मैंने बी टू सी में डाला, ठीक है। तो मेरा यहाँ से ओके हो चुका है। अब मैं आपको क्या करूँगा, स्लाइड करके जाऊँगा जनरेट समरी पे क्लिक कर दूँगा। समरी जनरेट का रिक्वेस्ट चला गया है, ठीक है। अब आपको ऊपर रिफ्रेश बटन है उस पर क्लिक करना है। 2-3 सेकेंड बाद देख सकते हैं रिफ्रेश लिखा है, उस पर क्लिक करेंगे तो मेरा रिफ्रेश हो गया। अब मेरा प्रोसीड टू फाइल या समरी इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे आपको स्लाइड करके नीचे जाना है और आप चेक कर सकते हैं कि मेरा IGST का अमाउंट कितना है, CGST कितना है, SGST कितना है। एक बार आप अपने टैक्स को वेरीफाई कर ले, ठीक है। वेरीफाई करने के बाद आपको क्या करना है, फाइल स्टेटमेंट वाले ऑप्शन पर जाके क्लिक कर देना है आपको। क्लिक करते ही आपके सामने इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। IVI हेयर वाई पे आपको क्लिक करना है और उसका ऑथराइज पर्सन का नाम लेना है और DSC या रिवीक जरूर वेरीफाई कर लेना है, ठीक है दोस्तों। ये दो ऑप्शन होता है, GST वेरीफाई करने का ऑप्शन होता है, ठीक है, DSC के थ्रू या AVC के थ्रू। तो DSC के थ्रू करके प्रोसीड बटन पर क्लिक कर देंगे। AVC मतलब OTP के थ्रू, ठीक है दोस्तों। मैं आपको DSC के थ्रू वेरीफाई करके दिखा रहा हूँ, तो DSC के थ्रू करता हूँ और ऑथराइज पर्सन का नाम लेके साइन कर देता हूँ। यहाँ पासवर्ड डाल देता हूँ DSC का। तो आप देख सकते हैं मेरा GSTR 1 एकदम फाइल हो चुका है। मैं आपको इसका स्टेटस भी देख सकते हैं, फाइल दिखा रहा है, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ से बैक करके दिखाता हूँ कि मेरा स्टेटस मेन स्क्रीन में क्या दिख रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ से पूरा बैक आ जाना है आपको। फिर से अपना क्वार्टर सेलेक्ट कर लेना है और जून मंथ रहेगा, सर्च पर क्लिक करेंगे। देख सकते हैं GSTR 1 जहाँ पर वहाँ स्टेटस मेरा फाइल दिखा रहा है, यानी मेरा GSTR 1 कंप्लीट हो चुका है पूरी तरह से। कोई भी दिक्कत हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें, मैं बिल्कुल उसे आंसर दूंगा, ठीक है। GSTR 1 फाइल करने में आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो मैं हूँ आपके साथ, आप मुझे प्लीज़ कमेंट करें। अब मैं 3B पर क्लिक करूँगा, प्रिपेयर ऑनलाइन पर। अब आपको यहाँ डू यू वॉन्ट नील रिटर्न, तो आपको नो करके नेक्स्ट करना है, क्लोज यहाँ से कर लेंगे। 3B में आपको कुछ नहीं करना पड़ता है, सब कुछ ऑटोमेटिक रहता है, सिर्फ आपको यहाँ से कंफर्म करके सबमिट करना पड़ता है, ठीक है। तो मेरा यहाँ पर दिख रहा है आपको टैक्स कितना लगा, इंटीग्रेटेड टैक्स है, CGST कितना है, GST कितना है। प्रोसीड टू फाइल करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपका कैश लेजर में बैलेंस होना चाहिए, अगर कैश लेजर में बैलेंस नहीं तो आपका ITC होना चाहिए, ठीक है। तो मेरा ITC नहीं है, मैं ITC के थ्रू यहाँ पेमेंट नहीं करूँगा, ठीक है, क्योंकि मैं ITC क्लेम नहीं करता हूँ। तो मैं यहाँ से ITC अपना हटा लेता हूँ, ठीक है। ये ऑटोमेटिक ITC पे आ जाता है, बट मैं अपना ITC यहाँ क्लेम नहीं करता हूँ, ठीक है। तो देख सकते हैं जैसे मैंने अपना ITC से हटाया तो अदर देन रिवर्स चार्ज टैक्स टू बी पेड इन कैश वाले ऑप्शन पे मेरा अमाउंट ऑटोमेटिक फिल हो गया है, ठीक है, देख सकते हैं आप। यहाँ अमाउंट आ गया। अब आपको क्या करना है, मेक पेमेंट
या पोस्ट ग्रेड टू लेजर, ठीक है, इस वाले ऑप्शन पे एडिशनल कैश रिक्वायर्ड में मेरा जीरो जीरो दिख रहा है, दैट मीन्स मेरा जितना बैलेंस मेरा टैक्स बन रहा है उतना बैलेंस मेरे पास है। अब आपको मेक पेमेंट पे क्लिक कर देना है और यस पे क्लिक कर देना है। यहाँ ऑफसेट सक्सेसफुल हो चुका है, यानी मेरा सेट ऑफ यहाँ कंप्लीट हो चुका है। अब आपको क्या करना है, प्रोसीड टू फाइल वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, फिर आई वी हेयर वाइप पे क्लिक करना है, ऑथराइज पर्सन का नाम सेलेक्ट कर लेना है और फिर से डीएससी और ईवीसी थ्रू आपको वेरीफाई करना है, ठीक है। तो ईवीसी मतलब ओटीपी के थ्रू, तो मैं डीएससी के थ्रू आपको वेरीफाई करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो डीएससी वाले ऑप्शन पे जाके आपको क्लिक करना है, क्लिक करके प्रोसीड पे क्लिक कर देना है, फिर से मैं डीएससी आ गया है उस पर सेलेक्ट करके साइन कर देना है। देख सकते हैं फाइलिंग सक्सेसफुल यहाँ मेरा दिखा रहा है, यानी मैं जीएसटी मेरा फाइल हो चुका है पूरी तरह से 3B, ठीक है। तो आज मैंने आपको 1 और 3B का एकदम बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको फाइल करना सिखाया है, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें, मैं उसका जवाब दूंगा। फिर मैं यहाँ से बैक आ जाता हूँ और मैं आपको स्टेटस यहाँ चेक करवाता हूँ। जून मंथ का सर्च पे क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं मेरा जीएसटी 1 स्टेटस फाइल दिखा रहा, 3B मेरा फाइल दिखा रहा। जीएसटी 1 का ड्यू डेट होता है 11 तारीख, ठीक है। अगर जून का कर रहे हैं तो जुलाई का 11 तारीख, एंड 3B का ड्यू डेट होता है 20 तारीख, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें।